चिंटू वीडियो गेम की आवाज बंद करो। लेकिन डैडी मैं क्या करूं, मेरे सारे वीडियो गेम ऐसी आवाज करते हैं और पुराने भी हो गए सब। पुराने हो गए तो फेंक दो उसे। डैडी आप भी तो पुराने हो गए हो। क्या बोला? हेलो कौन कुलकर्णी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बॉस आप इतनी रात को? अरे तुमको मालूम है ना कि कल दोपहर के फ्लाइट से एंडरसन आ रहे हैं। मिस्टर एंडरसन? कौन मिस्टर एंडरसन सर? तुम एंडरसन को नहीं जानते? अरे वही जिसके लिए मैंने तुम्हें वो अटलांटिक होटल में जो सूट बुक करने के लिए कहा था। ओह सॉरी बॉस, ये बात तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। भूल गए? तुम एक नंबर के गधे हो कुलकर्णी। डैडी वीडियो गेम। चुप बे खच्चर। खच्चर तुम मुझे खच्चर कर रहे हो? अरे नहीं बॉस आपको नहीं। हाँ सुनो वो एंडरसन को। डैडी वीडियो गेम। चुप इडियट। इडियट? तुम एंडरसन को इडियट कह रहे हो? बेवकूफ कहीं के। नहीं बॉस मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा है। अरे कुलकर्णी मैं तुम्हारी घुमावदार और बनावटी बातें खूब समझता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम रात को इतनी पी लेते हो कि मैनर्स और शराफत तक भूल जाते हो। देखो एंडरसन का कुछ न कुछ बढ़िया इंसान होना चाहिए वरना मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, समझे? बैठ जाए। बॉस मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो डैडी वीडियो गेम। वीडियो गेम के बच्चे क्या कर रहे हो? सर पे चढ़ा रखा है तुमने इसे। तुम हमेशा दूसरों का गुस्सा हम दोनों पे क्यों निकालते हो? जानती है इसकी वजह से बॉस की कितनी गालियां सुननी पड़ी? क्यों, इसने क्या किया? बॉस एंडरसन की बात कर रहे थे और ये वीडियो गेम का रोना रो रहा था। क्या है मिस्टर एंडरसन? अरे हमारी कंपनी के 50% पार्टनर है, कल की फ्लाइट से इंडिया आ रहे और उनके लिए मैं होटल में स्वीट बुक कराना भूल गया। क्यों, इंडिया में उनका कोई घर नहीं है? अरे वो 25 साल पहले गोवा में रहते थे, उस वक्त उनका नाम था एंड्रू फर्नांडिस और अमेरिका जाकर एंडरसन बन गए। अब मैं क्या करूं कोकी? होटल को वापस फोन कर दो। हा? अरे हाँ भूल गया, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। होटल अटलांटिक। हेलो होटल अटलांटिक, देखिए मैं केशव कुलकर्णी बोल रहा हूं, मुझे एक स्वीट बुक करना है मिस्टर एंडरसन के नाम पर। क्या कोई रूम खाली नहीं है? लेकिन अच्छा 2 दिन के बाद मिलेगा। ओके थैंक यू। क्या हुआ? 2 दिन के बाद मिलेगा, अब मेरा डिमोशन नक्की कोकी। तुम्हारा प्रमोशन गया तेल लगाने, मुझे तो अपना प्रमोशन भी खतरे में मालूम पड़ रहा है। लेकिन क्या करूं सर, मैंने शहर के सारे होटल्स देख लिए लेकिन कहीं पर जगह नहीं है। अरे उस थर्ड क्लास भारत लॉज में भी देख लिया, वो भी ठसाठस भरा पड़ा है। इसलिए तो मैंने तुमसे 8 दिन पहले इंतजाम करने के लिए कहा था। कैसा हो? पता नहीं सर ये काम मैं कैसे भूल गया। प्रेमशालिनी कहती है काम करने के लिए तो तुम सर के बल खड़े होकर कर देते। नहीं करता सर। क्यों? क्योंकि वो 15 दिन के लिए आउटडोर गई है। इसीलिए तुम्हारी खोपड़ी काम नहीं कर रही है। अब सर मिस्टर एंडरसन को कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा। तो कहां रखें? अपने सिर पर रख लूं मैं उसे? हाँ देख लीजिए, अगर एडजस्ट हो जाता है तो रख लीजिए। कैसे क्या बच्चे, मैं एंडरसन को अपने सर पर रखूं? ओहो आपने सर पर कहा, मैंने सोचा आपने घर पर कहा। तुम जैसे बेअक्ल लोगों के भरोसे में रहा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अब देखिए ना सर, 2 दिन के बाद तो अटलांटिक होटल में जगह खाली हो जाएगी, अब 2 दिन के लिए मिस्टर एंडरसन को आप अपने घर रख लीजिए। अपने घर पर? इम्पॉसिबल। क्यों? अरे मेरी बीवी उस नॉन वेज एंडरसन को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आइडिया केशव। आइडिया? आइडिया आपको भी आइडियाज आते हैं सर। क्या बात है केशव, तुम एंडरसन को 2 दिन के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेते? मेरे घर में? अरे वो खुश हो गया तो जाते जाते तुम्हारा प्रमोशन करवा देगा। प्रमोशन हो जाएगा सर? हाँ ठीक है मैं सोचता हूँ। अरे केशव सोचने का वक्त नहीं है, तो फौरन जाकर के उसके रहने का इंतजाम करो। हाँ। और मैं लक्ष्मी को लेकर के एयरपोर्ट जाता हूँ। लेकिन लक्ष्मी को क्यों सर? तुम्हें इससे क्या मतलब? ओके ओके ले जाइए लक्ष्मी को ले जाइए। अच्छा सर मैं चलता हूँ। सुनो। हाँ जी सर। एक रूम बॉय का इंतजाम भी कर लेना। रूम बॉय का? लेकिन मेरे घर में कोई रूम बॉय नहीं है, मेरा छोटा सा बॉय है चिंटू। अरे चिंटू या पिंटू इंतजाम करो बस। ओके सर ओके। क्या हुआ? नहीं वो कहीं एडजस्टमेंट हो पाता है कि नहीं देख रहा हूँ। अब वो मिस्टर एंडरसन के लिए क्लास आदमी कभी नहीं सुधर सकता, ये मेरी जान लेके रहेगा। चलिए आपकी बारी। हाँ हाँ दिलरुबा जी हाथ हटाइए ना। ओ सॉरी। वाओ चल तेरी बारी। वाओ अब मेरी बारी। कोकी 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 जल्दी करो
जल्दी करो। क्या हुआ? हमारे यहाँ कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? मिस्टर एंडरसन। तो इतना चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं पागल हो गया हूँ। अरे जब सुबह ऑफिस गए थे तो बिल्कुल ठीक थे, रास्ते में किसी पागल कुत्ते ने काट लिया क्या? नहीं, बॉस ने काटा है। या बैठो और ठंडे दिमाग से मुझे बताओ कि मिस्टर एंडरसन का क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मिस्टर एंडरसन हमारे यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। तो आने दो ना, खातिरदारी में हम उनकी कोई कमी नहीं रखेंगे। क्योंकि तुम समझती नहीं है, वो विदेशी करोड़पति है, वो 5 स्टार में रहते हैं, हमारे यहाँ रहेंगे तो खाएंगे क्या? अरे खाने पीने की चिंता तो आप बिल्कुल छोड़ ही दो ना। हाँ, दिलरुबा जी जो है किचन में एक्सपर्ट। और बॉस ने उनके लिए एक रूम बॉय रखने को भी कहा है। अरे बाप रे। हाँ। अब ये रूम बॉय कहाँ से लाएंगे? वही तो कह रहा हूँ। मैं हूँ ना मैं मर गया हूँ क्या? क्या बात कर रहे हैं आप दिलरुबा जी? कोकी जी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या मतलब? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तो चलो कैरम खेलते। चलो मेरी बारी। क्या क्या? नहीं आई मिस्टर एंडरसन, प्लीज कम। वेलकम सर, वेलकम। हेलो हेलो, मिस्टर कुलकर्णी अवर जूनियर क्लर्क। हेलो मिस्टर कुलकर्णी, एंड मीट मिसेस कुलकर्णी। नमस्ते। हेलो यंग चार्मिंग लेडी, आपको मिलकर हमें बहुत खुशी हुआ। सर मुझे भी आपको मिलकर खुशी हुई सर। कुलकर्णी सामान लेके आना। कुलकर्णी जा जल्दी। केशव, ये एंडरसन तो बड़ी चालू चीज है, बचकर रहना पड़ेगा। कैसा लगा मेरा जोक? बहुत अच्छा। आप कितने अच्छे जोक्स बोलते हो, एक और जोक सुनाइए ना। वन मोर। तो सुनो, देखा आपने, देखा कैसे बात बात में हाथ पकड़ लेता है। देख रहा हूँ दिलरुबा जी, सुबह से कुकी के पीछे लगा हुआ है और जोक सुना सुना कर उनको पटाने की कोशिश कर रहा है। अरे ऐसा करेगा ना तो मैं उसको जोकर बना दूंगा। जो भी करना है जल्दी करो वरना लेट हो जाएगा। आओ। कैसा लगा ये जोक? मैडम मैडम खाना लगा दे। मैं अभी आ रही हूँ। नो नो कोकी, तुम इधर ही बैठो, हमको तुम्हारा बात और वो कंपनी को हिंदी में क्या बोलता है, साथ। हमको तुम्हारा बात और तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। यू नो कोकी, हम जब से इंडिया छोड़ा हमको तुम्हारा जैसा साथ नहीं मिला। दिलरुबा जी ये मुझ पर घात हो रहा है, घात हो रहा है। डोंट वरी, मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है। मैं इस आदमी को हमारा घर बर्बाद नहीं करने दूंगा। हमारा घर? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, तुम जरा किचन में जाओ। चलो। एक्सक्यूज मी मिस्टर एंडरसन, मैं जरा कि तुम मेरे को मिस्टर एंडरसन मत बोलो, तुम मेरे को सिर्फ एंड्रू बोलो। ओके एंड्रू जी, एक्सक्यूज मी। ओके, आइए आइए। एक्सक्यूज मी मिस्टर एंड्रू। नो मिस्टर कुलकर्णी, तुम मेरे को सिर्फ मिस्टर एंडरसन बोलो। और देखो ये राइट्स हम सिर्फ कोकी को दिया है। और सुनो तुम इधर बैठो, हमको तुम्हारा साथ अच्छा नहीं लगता। हम अंदर कोकी के पास जाएगा। कोकी। केशव, ये एंड्रू का कुछ करना पड़ेगा वरना वो तेरा मेंड्रू बना देगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, आज भी ऑफिस में कुछ काम नहीं है। हाय गोखले। हाय। अयो लक्ष्मी, अरे क्या बात, क्या आज बड़ी जच रही हो तुम, ड्रेस भी इम्पोर्टेड है, नया है क्या? हाँ मिस्टर एंडरसन ने हमको दिया। क्या दिया मिस्टर एंडरसन ने? ये ड्रेस, एंडरसन इज अ नाइस मैन। जाओ जाओ अपना काम करो जाओ। नाइस मैन। क्या बात है केशव, बड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हो। अरे यार ये मिस्टर एंडरसन को सुना है तुम्हारे घर पर ही वो रुका है। तुम्हें किसने बताया? बॉस ने, उन्होंने बताया कि एंडरसन वहाँ बड़ा खुश है। हाँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ ना। क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे इतने बड़े आदमी को हमारे छोटे से घर में रखना वो भी तो ठीक नहीं है। अरे मिस्टर एंडरसन एक मिनट ठहर जा गोखले, एक फोन करना है। मिस्टर एंडरसन, हेलो होटल अटलांटिक, मैं केशव कुलकर्णी बोल रहा हूँ। वो मैंने मिस्टर एंडरसन के लिए एक स्वीट बुक करवाया था, उसका क्या हुआ? खाली होगा? मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ, पैसे लेकर आप बुक कर लीजिए। ओके थैंक यू थैंक यू। जान छुटी गोखले, जान छुटी। हेलो चिंटू बेटे। हेलो डैडी। तुम्हारी मम्मी कहाँ है बेटे? मम्मी तो किचन में है।
ओके ओके डैडी ये देखिए एंड्रू अंकल मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी चॉकलेट लाए। अच्छा अच्छा ठीक है वो आपसे कितने अच्छे। क्यों हमारे लिए कितनी चीजें लाते हैं। अच्छा और क्या क्या लाए एंड्रू अंकल। एंड्रू अंकल मम्मी के लिए एक साड़ी लाए और सेंट भी लाए। अच्छा तुम्हारी मम्मी कहाँ है। मम्मी तो किचन में एंड्रू अंकल के साथ। तो फिर वो दिलरुबा का बच्चा क्या कर रहा है। मैंने उसको नौकरी पे किस लिए रखा है। वो तो दरवाजे पर कॉकरोच मार रहे हैं। क्यों एंड्रू अंकल को कॉकरोच की चटनी खानी है क्या। मुझे क्या मालूम उसे जाकर पूछो ना। ये जाकर देखता हूँ दिलरुबा के बच्चे को। ए दिलरुबा। अच्छा हुआ आप जूता लेकर ही आए। क्यों? क्योंकि ऐसे आदमी को जूते से ही मारना चाहिए। तो इसीलिए तो लाया हूँ। मुझे नहीं, उधर देखिए क्योंकि अभी हम तुमको जो बात बोलेगा ना सुन के तुम बहुत हैप्पी होएगा। ऐसी कौन सी बात है एंड्रू। लेकिन पहले तुम हमको प्रॉमिस करो ये बात तुम तुम्हारे हस्बैंड को भी नहीं बोलेगा। प्रॉमिस प्रॉमिस। तो सुनो दिलरुबाजी ये क्या कर रहा है। सुबह से साला यही कर रहा है। बार बार कोकी जी के कान में जाकर पुस 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 करता है और फिर हंसता है। देखिए अरे केशु तुम ये हाथ में जूता लेकर यहाँ क्या कर रहे हो। क्या 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 कर रहा हूँ। कॉकरोच मार रहा था। एक कॉकरोच आ गया घर में, दाढ़ी वाला कॉकरोच। अभी अभी किचन से निकल कर लैंटर्न लेकर गया। वो क्या है मिस्टर एंडरसन को तकलीफ ना हो इसलिए कॉकरोच को मारा। इट्स ओके कुलकर्णी, हम कोकी के लिए ऐसे कॉकरोच को एडजस्ट कर लेगा। नहीं मिस्टर एंडरसन, अब एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने होटल अटलांटिक में आपके लिए रूम बुक कर लिया है। ओ नो 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 कुलकर्णी, हम होटल में नहीं जाएगा। क्यों क्यों क्या, हमको इधर एकदम होमली फील होता। कोकी हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती, हमारे लिए लस्सी बनाती, हमको इधर बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर एंडरसन मैंने आपके लिए कमरा बुक कर लिया है। तो एक काम करो, तुम तुम्हारे वेटर को लेके उधर जाके रहो, हम तो कोकी और चिंटू के साथ इधर ही रहेगा। देखिए मिस्टर एंडरसन मैं वेटर नहीं हूँ। Then who are you? मैं इनका नेबर हूँ और आप मुझे इनका लेबर बना रहे हैं। हाँ एंड्रू, ये दिलरुबा जी है, इंडिया में बहुत फेमस एक्ट्रेस है प्रेमा शालिनी, उनके ये हस्बैंड है और हमारे बहुत कोऑपरेटिव पड़ोसी है। और मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। ओह वंडरफुल। कुलकर्णी इधर हमारा चार दिन का काम और बढ़ गया। हम इधर रहेगा तो तुमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? नो प्रॉब्लम। हमें तो बहुत खुशी होगी, है ना केशव? खुशी होगी। कॉकरोच, चलो कॉकरोच मारते हैं, चलो। एक नंबर का फ्लर्ट है फ्लर्ट। क्या बात है केशव, कौन फ्लर्टिंग कर रहा है तुम्हारे साथ? अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुकी की बात कर रहा हूँ। वो एंडरसन कोकी के साथ फ्लर्ट करता है। एंडरसन कोकी भाभी के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? कोकी भाभी ऐसी बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ वो सही है, कोकी बर्दाश्त नहीं करेगी, आखिर वो मेरी बीवी है, लेकिन एंडरसन उसे छूता है। अरे केशव उनके कल्चर में ये बात बुरी नहीं मानी जाती। होगा गोखले ऐसा होगा, लेकिन उसका कोकी को बार बार छूना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ कुलकर्णी, कौन तुम्हारी बीवी को छू रहा है? सर जी उस एंडरसन का कुछ कीजिए, उसे निकालिए मेरे घर से। अरे तुम तकदीर वाले हो कुलकर्णी, जो एंडरसन तुम्हारे यहाँ ठहरा है इसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा है। मेरा फायदा ही फायदा, वो कैसे सर? ये तो बाद में पता चलेगा, देखना जाते जाते वो तुम्हें ऐसा धक्का मारेगा कि तुम ऊपर पहुंच जाओगे। हा? लेकिन सर छोटे मोटे धक्के तो मैं अब भी खा रहा हूँ। भाई प्रमोशन पाने के लिए ऐसे धक्के खाने ही पड़ते हैं, मैंने भी खाए थे। क्यों गोखले? लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सर, ना मैं कह सकता हूँ ना सह सकता हूँ। अरे कुलकर्णी दो चार दिन की तो बात है, फिर तू ऊपर जाना ही है। ऊपर जाना? नहीं मतलब प्रमोशन। प्रमोशन यार। प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन सुना तुमने? जी, अच्छा आप आ गए। क्यों क्या हुआ? कोकी जी एंडरसन के साथ? नहीं। आज सुबह सुबह? नहीं। अपना बैग वगैरह लेकर? नहीं। शॉपिंग के लिए गई हैं, लेकिन अब तक नहीं लौटी। क्या? फिर तो हमें एयरपोर्ट पर इंक्वायरी करनी पड़ेगी। यानी कि आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? मुझे शक है कि एंडरसन का बच्चा कोकी को अमेरिका भगा ले जाएगा। आपको तो शक है, लेकिन इस बार मैंने अपने कानों से सुना है। क्या सुना? वो एंडरसन का बच्चा कोकी जी को बोल रहा था कि तुम मेरे पास अमेरिका आना। और मालूम है कोकी जी ने क्या बोला? क्या बोला? बोला मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। नहीं कोकी, तुमने क्या किया? क्या किया कोकी? तुम्हें
अगर चले गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या? तुम क्यों बर्बाद हो जाओगे? मैं तो आपका डायलॉग बोल रहा हूँ ना। हाँ तो ठीक है, आप ही का डायलॉग बोल रहा हूँ मैं। इतना अच्छा लगता था तुमको वो ड्रेस भी, इतना अच्छा लगता था। अच्छा वो तुमने बिंदिया भी लिया कि नहीं? सब लिया, आज बहुत अच्छी शॉपिंग हुई। थैंक यू एंड्रयू। थैंक यू, तुमने हमारे साथ शॉपिंग के लिए आया उसके लिए थैंक यू। चलो अच्छा हुआ, गनीमत है कोकी इस बार तो नहीं भागी। लेकिन अभी अभी मेरे पास एक आइडिया आ रहा है। आइडिया? आपको भी आइडियाज आते हैं? क्यों, मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? नहीं है ना, है ना। क्या क्या? अरे वाह दिलरुबा जी, यू आर ग्रेट ग्रेट। जल्दी करते हैं, आजो, आजो। चलो चलो करते हैं। हे छेजू बाबा, ये देखो हम तुम्हारे वास्ते वीडियो गेम लाया। ओह वाओ, थैंक यू अंकल। वेलकम। और कोकी ये देखो हम तुम्हारे वास्ते क्या लाया। हम जब शॉपिंग को गया हमको तुम्हारी बहुत याद आया और खास हम तुम्हारे वास्ते ये लिया। ओह सो लवली। अच्छा लगा। थैंक यू एंड्रयू, थैंक यू। अच्छा सुनो, मैंने भी तुम्हारे लिए स्वेटर बुना है, कल तक पूरा हो जाएगा। ओह रियली? अच्छा है ना। ओह व्हाट लवली। स्टॉप दिस नॉनसेंस चिंटो। लेकिन मैंने क्या किया यारी? वीडियो गेम की आवाज बंद करो। केशु वो किताब पढ़ रहा है, तुम्हें वीडियो गेम की आवाज कहां से सुनाई दी? सॉरी, व्हाट हैपेंड केशु? Are you all right? Yes. I'm all right. All right. तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फोन उठाओ कोकी। हाँ। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। All right, कोकी, आप एक फोन। Okay. Hello, Anderson here. Hello, Andrew, I'm your brother-in-law speaking. Oh, John. Yeah, John, listen, Andrew, your wife, Yaniki, my sister, has met with a terrific, I mean, boat bore accident. What? Yeah, man. She got weakness because of this sickness. John, what are you talking? And what's wrong with your voice? Voice? Andrew, my voice is sinking. Then what are you thinking? Start immediately. Because I am in tension. Oh yeah, John. I'm coming, John. God save us. Andrew, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्योंकि वहाँ हमारी wife का बहुत बड़ा accident हो गया। Oh God. हमको foreign America जाना पड़ेगा। Oh God save us. So sad. Relax, Andrew. Relax. देखा? अपनी wife का phone आया तो कैसा भाग रहा है? ये सारे foreigners ऐसे ही होते हैं। तो इसमें गलत क्या है? उसकी बीवी की जगह मैं होती तो तुम नहीं मेरे लिए भाग कर आते? जरूर आता, मैं उसके जैसा थोड़ी हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी कुकी, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगी। अच्छा सिस्टर, हम चलता है। सिस्टर? यस कुलकर्णी, तुम्हारी कुकी बिल्कुल हमारा छोटा सिस्टर जैसा है। हा? इसकी आंखें बिल्कुल हमारे सिस्टर जैसा, इसीलिए तो हम कोकी को इतना लाइक करता है। एनीवे कोकी, तुम तुम्हारा फैमिली फोटोग्राफ हमको जरूर से भेजना। हाँ जरूर भेजूंगी एंड्रयू, लेकिन तुम भी चिंता मत करना, तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी। ओ थैंक यू कोकी। मत जाइए ना एंड्रयू अंकल। ओ चाइल्ड, अब हम नहीं रुक सकता, हमको जाना पड़ेगा। बाय कोकी। बाय बाय कुलकर्णी। बाय। I'm sorry, Koki. किस बात के लिए? बस ऐसे ही, sorry. अच्छा आदमी था नहीं एंड्रयू? थोड़े दिन और रुक जाता तो मेरा प्रमोशन। क्या? नहीं कुछ नहीं। अरे कुलकर्णी, कुलकर्णी। सर आप? वो कहाँ है वो? कौन सर? अरे वो एंडरसन। एंडरसन? वो तो चले गए। चले गए? हाँ, उनके लिए फोन आया था कि उनके बीवी का कार एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए चले गए। सब गड़बड़ हो गया नहीं? क्या गड़बड़ हो गया सर? तुम ऊपर जाने से रह गए ना। ऊपर जाने से? मेरा मतलब है तुम्हारे प्रमोशन से। जब मैं अपने प्रमोशन के कागजात साइन कराने के लिए गया उससे, तब वो तुम्हारे प्रमोशन के बारे में भी पूछ रहा था। अच्छा? देखो मैं तुम्हारे प्रमोशन के पेपर्स उसके साइन के लिए टाइप करा के लाया था। लेकिन तुमने उसे भगा दिया है। नहीं सर, मैंने उसे नहीं भगा, वो अपने आप चला गया। देखिए सर वो जा रहा है। अरे रुको, एंडरसन, एंड्रयू रुक जाओ।